नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की पकौड़ी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, एक हमने आलू ले ली है, आलू आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो आलू को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें हम बेसन मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे, थोड़ी सी हींग मिला लेंगे, कटी हुई हरी मिर्च मिला लेंगे। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी आलू गीली हैं, इसी से हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, हमारा पकौड़ी बनाने के लिए बेसन तैयार हो गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन कर दिए हैं। अब इस पे हम पैन चढ़ा देंगे, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो हम तेल को चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो अभी हमारा तेल नहीं गर्म हुआ है, तेल अब गर्म हो गया है। अब हम पकौड़ियों को इस तरह से डाल देंगे तेल में। आप पकौड़ी का साइज अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। इस तरह से हम तेल में डालते जाएंगे। तो हमने सारी पकौड़ी तेल में डाल दिए हैं, अब इसे हम पकने देंगे। एक तरफ हमारी पकौड़ी पक चुकी है, अब इसे हम पलट देते हैं। और ये दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो हम उलट पलट के इसी तरह पकाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप तुरंत आलू की पकौड़ी बनाइए और खिलाइए। यह बहुत जल्दी बन जाती हैं और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हैं। तो देखिए, हमारी पकौड़ियों का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक चुकी हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप लोग भी आलू की पकौड़ी बनाइए और खाइए। इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ खाएं, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।